हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वक्रांगी लिमिटेड के बारे में और जानेंगे क्या है सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वक्रांगी लिमिटेड के लिए। सुपर ट्रेंड पे नेगेटिव हुआ था 43 के पास और उसके बाद लो 17 रुपये पे जाके आया है ये स्टॉक। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 19.85, 2 दिन से लग रहा है अपर सर्किट। सुपर ट्रेंड पे जो रेजिस्टेंस है वो है 26 के पास। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता है तब तक अपसाइड एक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स मैंने बनाए हैं। ये अगर रेंज देखें आप, 24 पे डबल बॉटम बना था पिछली बार और अपसाइड गया था 55 तक, पर जो ये ट्रेंड बना जा रहा था ऊपर की तरफ वो ब्रीच हुआ 49 पे और उसके बाद कंटिन्यूअस डाउनसाइड देखने को मिल रहा है इस काउंटर में। प्रीवियस जो लो था यहाँ पे ये 22 के पास, उधर ही एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेड हुआ है ज़रूर। कोशिश ज़रूर की थी ऊपर आने की लेकिन फिर हुए डाउनसाइड और नीचे की तरफ गया है ये स्टॉक। अभी तो अपर सर्किट है, अगर आपको स्टॉक मिलता है तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, पर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22 से 23 के बीच। और ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो है 37 के पास। ये क्यों है आइए जानते हैं उसके बारे में। चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। जो मैं 37 की बात कर रहा था, ये जो आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं 54 लैक्स, 75% डिलीवरी क्वांटिटी था, 54 लैक्स था टोटल क्वांटिटी। और अगर आप प्राइस पे ध्यान देंगे तो ये वही रेजिस्टेंस वाला प्राइस है, 36 से 38 के बीच क्लोज हुआ था 37.40। तो ये जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो अभी मोस्ट लाइकली खड़े हैं उधर ही कि अगर ये प्राइस पे आता है तो हम बेचेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर होल्ड करेंगे और प्रॉफिट आने के लिए। लेकिन अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचने का सोचेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 37 पे। दूसरा जो रेजिस्टेंस था जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है 64% और 71%। इसका जो वॉल्यूम है वो ट्रेड 22 से 24 के बीच हुआ है जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था। ये यहाँ पे है पहला रेजिस्टेंस 22 के पास और दूसरा जो रेजिस्टेंस मैंने बोला 37 के पास। ये दो ऐसे रेंज है जिसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है वक्रांगी के लिए, उसके बाद ही एक अपसाइड देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको मिलता है ये स्टॉक अभी इसके नीचे तो अच्छी बात है, छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। 24 के ऊपर अगर जाता है तो 37 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर आप 24 के ऊपर बाई करते हैं तो 35, 36 का एक टारगेट रखें, वहाँ पे एग्जिट ले लें एक बार के लिए। और 38 के ऊपर अगर जाता है तो 50 के ऊपर देख सकते हैं वक्रांगी को। थोड़ा तो टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कीजिए वक्रांगी में, क्योंकि कंटिन्यूस अपसाइड या कंटिन्यूस डाउनसाइड जाता है ये। कई दिनों से लोअर सर्किट लग रहा था, अभी अपर सर्किट वापस स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो ध्यान रखें 23 और 37। 23 के ऊपर अगर आपको मिलता है, आप बाई करते हैं, तो 35, 36 का एक टारगेट रखिए, 37 तक ये जा सकता है। वो अगर ब्रीच होता है तो अपसाइड ओपन होगी और तब तक सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए वक्रांगी लिमिटेड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।